असलम गैस क्या हाल है। जैसे कि आप लोगों को पता है आज दूसरा दिन है ईद उल अज़हा का, तो मैंने सोचा क्यों ना मदीना जाए। चलो चलते हैं। मुझे भूख लगी हुई थी तो हमने सोचा क्यों ना सास को सरबेक लिया जाए। मैंने मदीना मुनव्वरा में होटल बुक कराया। मेरी राइट साइड पर यहाँ सिंगल बेड है, 4 सिंगल बेड है, यहाँ ड्रेसिंग टेबल है, वहाँ टीवी है, आगे जाए तो वहाँ जो है यहाँ वॉशरूम है, ये एंट्रेंस है, वहाँ कैटल वगैरह रखी है, अगर आपको कोई चाय वगैरह बनानी है तो आप बना कर पी सकते हैं, और ये हरम व्यू के साथ है, आप गुम्बद भी देख सकते हैं वहाँ होटल से ही। मैं नबी पाक को सलाम पेश करने जा रहा हूँ। मैं मस्जिद के अंदर एंटर हो रहा हूँ। लेफ्ट साइड पर रियाजुल जन्ना है। हम सलाम पेश कर कर बाय आ गए। अभी मैं होटल आ चुका हूँ अपने होटल, क्योंकि अभी रात के जो है वो 12 बज चुके हैं, तो अभी सोने का टाइम हो चुका है, तो अभी हम सोएंगे और कल उठकर जुमा पढ़ेंगे और फिर हम जद्दा जाएंगे। गाइस अभी मैं उठ चुका हूँ, मैंने नहा लिया और नाश्ता कर लिया है, तो अभी हम थोड़ी देर में जाएंगे जुम्मा पढ़ने और आपके साथ भी शेयर करेंगे। आप देख सकते हैं इधर सामने, अभी मैं होटल के अंदर से ही वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी बाहर थोड़ी गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभी मैंने असर की नमाज पढ़ ली है, तो अभी हम जाएंगे सीधा जद्दा, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा जद्दा का रास्ता। आज ये पुराना रेलवे स्टेशन है, आप देख सकते हैं, ये मदीना पार्किंग से बाहर निकल कर आपके सामने आता स्टेशन, और यहाँ भी मस्जिद है। आज अभी मैंने स्टॉप लिया पेट्रोल पंप पर, सास के पेट्रोल पंप पर, तो अभी हम कुछ खाएंगे और फिर मरी की नमाज़ पढ़ेंगे और जाएंगे सीधा जद्दा, तो फिर हम मिलेंगे आपको जद्दा में। गैस रात को मैं बहुत थका हुआ था, तो मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई घर पहुंचने की, तो मैं सही सलामत घर पहुंच गया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना।